नमस्कार। म्यूजिकल हेरिटेज में आज हम आपकी जिस खास मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनके परिचय के तौर पे जाने क्यों मेरे जहन में एक शेर आ रहा है। मुनव्वर राना साहब का शेर है कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, कदम छोटे हों मगर लोग बड़े होते हैं। औसत कद के लेकिन अपनी कला के हिसाब से बात की जाए, कला के क्षितिज पर, कला के पटल पर बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम बना चुके राजेंद्र गंगानी जी, हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने म्यूजिकल हेरिटेज के लिए समय निकाला। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राजेंद्र जी, पहला सवाल तो यही कि जैसा मैंने कहा आपके आपके परिचय के लिए कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, कदम छोटे हों मगर लोग बड़े होते हैं, एक अच्छा कलाकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना कितना ज़रूरी है? मैं यही बताना चाह रहा था कि गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं कितना अच्छा इंसान हूँ इसकी तो अपने मुंह से मुझे खुद को ना पता ना मैं कह सकता, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि आप जिस तरीके से अंदर हैं उसी तरीके से आप मंच पे आ जाते हैं। तो जो सोच या जो विचार आपको मिले हैं अपने परिवार से और वो जो परंपरा से, वो विचार ही आपको इंसान बनाते हैं। और एक इंसान पहले होता है, फिर उसके बाद वो कुछ कलाकार या जो भी श्रेणी में जाए वो बाद की बात है। पैदा होता तो कुछ भी नहीं करता, वो संस्कार से ही आगे बढ़ता है। तो अच्छा इंसान सही मायने में बहुत है कि उसको अगर अच्छा कलाकार बनना है तो एक अच्छा इंसान पहले बने, ताकि वो अच्छा कलाकार एक कदम आगे बढ़ सके। आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आपके जो शिष्य हैं वो आपसे डरते नहीं हैं, यानी इसको दूसरी तरीके से अगर मैं कहूं तो आपका जो उनके साथ बर्ताव है वो बड़ा दोस्ताना है, आप दोस्तों की तरह से रहते हैं उनके साथ। आप कैसे आप परिभाषित करते हैं गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो वो रिश्ता है, जो एक खास एक बंधन है, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? मैं ये सोचता हूं कि शिष्य और गुरु शिष्य जो परंपरा है उस परंपरा में इतनी जगह या इतनी स्पेस होनी चाहिए कि शिष्य अपने भीतर की जो भी उसको तकलीफ़ या खुशी है या वो जो महसूस करता है वो बिंदास गुरु से बोल सके। अगर उसे डरा डरा के या उसको हम दबा के उसे रखें तो हम उसे जैसे एक मिट्टी होती है उसे पीट पीट के और उसे प्यार से भी तो रखते हैं, खाली पीट के मिट्टी से कभी कोई अच्छी आकृति नहीं निकल के आई, वो आकृति दोनों तरफ से बन के आती है। तो जो बच्चे या जो भी शिष्य मेरे से सीखते हैं वो उनको जानबूझ के एक मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि एक खुला वातावरण रहे कि वो अपने आप को सहजता से रख सकें, क्योंकि सहज होना बहुत वही अच्छा इंसान भी तो बनना है, तो अच्छा इंसान बनना है उसके लिए वो पहले सहज रहे, सहजता से अपने आप को रखे। और वाकई वो मेरे जहाँ गुरु की एक इज्जत होती है, एक ऊपर उनको कायम रखना चाहिए, काम के वक्त वो बिल्कुल हम ऐसे हैं ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है, तो वो एक काम का दायरा ऐसे है, काम हुआ, शिक्षा का लेन देन हुआ, कार्यक्रम हुआ, ये सब कुछ हुए, उसके बाद हम एक सब एक इंसान के जैसे हो जाते हैं। वो परंपरा में भी है और वो उसको कायम भी रखना चाहिए। देखे, देखे, देखे,
पंडित जी, हम सब जानते हैं शास्त्रीय संगीत हो चाहे नृत्य हो चाहे वो घराने के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, घरानों में बटा हुआ है, अलग अलग घराने हैं। आप जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके घराने के बारे में कुछ हमें बताएं, क्या खासियत है, कैसे ये घराना दूसरे घरानों से जो है वो अलग होता है? हाँ, बहुत बड़ा विषय है। छोटा सा एक उदाहरण ये दे सकते हैं कि घराने जो थे वो एक स्टेज जैसे स्टेट होती, राज्य होते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से वो उस वक्त जिस कला प्रफुल्लित हो रही थी या बन रही थी, उस वक्त ये ट्रेडिशन बने कि भाई ये घराना है। उसकी खुशबू भी आई और उसके जैसे फूल अलग अलग जगहों के पहाड़ों पे जाएं तो एक अलग वातावरण में वो फूल और वो वनस्पति मिलेगी आपको। समुद्र के किनारे चले जाएं तो कुछ और मिलेगा, रेतीले हिस्सा चले जाएं। उसी तरीके से मुझे अपने इस जयपुर के बारे में ये कहना कि जयपुर घराने में शुरू से ये रहा कि एक तेज प्रवृत्ति का एक सोच विचार से रहा, और मंदिरों में क्योंकि हमारे यहाँ मुग़ल शासन तो हुआ ही नहीं, तो वो जो मंदिरों का एक असर था वो तब भी था और वो चलता चला गया। और एक और कहते थे कि जितने बोल आप मुँह से बोल रहे हैं या जो कथा आप मुँह से कह रहे हैं वो करके दिखाओ, इसी को कहते हैं कथा कैसो कथक कहलाए। तो वो उसकी सफाई और उसकी तैयारी और हमारे जो भाव पक्ष जयपुर घराने की विशेषता मेरे को जो लगती है, अब मैंने इतने सालों में जो महसूस किया वो ये, मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ श्रृंगारिकता के साथ भक्ति का बहुत ओतप्रोत रहा, उसको मिला के रखा। जी, मैं इसी बात पर मैं आने वाला था कि ऐसा कहा जाता है कि जयपुर घराने की जो प्रस्तुतियाँ होती हैं उसमें धार्मिक पृष्ठभूमि ज़्यादा होती है। धार्मिकता की बात आती है ना, तो धार्मिकता को हम लोगों के को ऐसा समझाया गया कि कृष्ण जो है वो सखा है। कृष्ण सखा मिल गए ग्वाली नगर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माकर उतार लियो और खाए लियो, दध की मटकी झटकी पटकी और दूध को भी बिखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दध खाए गए देख नारायण ताल बजाए के नाचने लागे, किट थेत 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 तकिट थेत 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 तकिट थेत थेत थे। छोटी सी लीला है जैसे माखन चोरी की, वो ऐसे सिखाई गई। गेंद खेलत हिरत फिरत जैसे काल्य दमन में, तो उसमें नागी जो हमारे दादाजी ने लिखी है कवित सारे, तो उसमें नागिन्या जो है वो उसमें शुरू में तो कह रही है कि तुम हो बाल गोपाल लाला, जब वो पहुँचे नाग के पास, तुम हो बाल गोपाल लाला हमको आता तरस तुम पे कि तुम इससे कहाँ लड़ने आ गए हो, नाग इससे नाग देवता से, उनकी नागिना कह रही है वाइफ के। लास्ट में लाइन आ रही है कि अब हो जानो तुम हो कृष्ण अवतार प्रभु जी, तुम कृष्ण नहीं अवतार हो प्रभु जी के। तो ये दोनों बातें जो है ना परस्पर वो हमें सिखाई और समझाई जाती है, तो इसलिए उसका प्रेजेंटेशन या उस भाव पक्ष को इस तरीके से रखते हैं हमारे यहाँ। संग में ये ग्वाल बाल घटनागर नंदलाल सखियां सब उमग भरी गोवर धन जात है फिर वर की पूजा कर तर्क तर्क दुर्ग दुर्ग दांत दे कांत दे आनंद मनावत इंद्र देख क्रोध कर सरदन पुरवाए सरदन बादल कर तल बिजली चमक बरसत है मूसा भागल सखियां सब बहरी जा बरसत है मूसा सखियां सब दही जात बरसत है मूसा दलाल सखियां सब दही जा कृष्ण चंद्र गोवर Yeah.
पथ संचालन का भी गुरुजी काफ़ी महत्व है जयपुर घराने की जो प्रस्तुतियां हैं उसमें। पथ संचालन, लड़ियां, तियाइयां, ये सब चाले, जैसे ये पलटे, ये बोल हम लोग पलटे करते हैं, लय बांट करते हैं, तो लयकारियां भी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि जैसे ताते ही तत मूल मंत्र है जो हर घराना और हर परंपरा करता है, तो लेकिन वो ये कि आपके टेस्ट की बात है, कोई ज़्यादा तीखा खाना पसंद करता है, कोई थोड़ा मीठा पसंद मिला लेता है, तो ऐसा भी नहीं बात है। पंडित जी, मैं इस इंटरव्यू के लिए जब आ रहा था और मैंने अपने एक मित्र को बताया कि मैं जा रहा हूँ राजेंद्र गंगानी जी से आज म्यूज़िकल हेरिटेज के लिए बातचीत करूँगा, तो उन्होंने कहा कि लमछण परन के बोल ज़रूर सुनना उनसे, तो सुनाएं ज़रा ये बोल, हमें भी पता चले, हमारे दर्शकों को भी कि ये हैं क्या। धाव तक दे ता ते ट क ता ग दि ग न, धाव तक दे धा ते टे क ता ग दि ग न, धा ते टे क ता ग दि ग न, धा ते टे क ता ग दि ग न, धा धा ते टे क ता ग दि ग न, धा ते टे धा ते टे धा ग दि ग न, न ते टे धा धा दि दि न, न ते टे ते टे क ता ते टे ता कर धा ते टे दे त दे त दा दे त दे त दा दे त दे त दा गिन 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 त दा। पंडित जी, दो अद्भुत नायाब आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, वाद्य यंत्र रखे हैं, अगर कुछ भी आप सुनाना चाहें हमें, बताना चाहें हमें, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे तो सही मायने में नृत्य एक जीवन में उसी को साध लें तो बहुत कमी लगती है मुझे, ऐसा लगता है कि एक जीवन कम है एक चीज़ के लिए। इतनी ये बड़ी बड़ी परंपराएं रही और बुज़ुर्गों ने कैसे कैसे बना दी, लेकिन हाँ ये कभी कभी जैसे क्लास सिखाते वक्त कोई नहीं है अगर क्लास में या कहीं कार्यक्रम में कोई फंस गया तो अच्छा, हम जो तबला बजाते हैं, एक इसकी विशेषता और भी बताऊं, जितने भी आप नृत्य गुरुओं से बातचीत हो या कभी आप उनके कार्यक्रम में देखेंगे, वो हम लोग जो भी बजाएंगे या गाएंगे है नृत्य के आसपास। जैसे अगर मुझे कहें कि किसी दिल्ली घराने का कोई विशेष कायदा है, ये सब शायद हम इतना नहीं बजाएं, पर नृत्य के बोलों को ज़रूर हम तबले के साथ उनके साथ बजा देते हैं। जैसे अभी नृत्य के बोल दिया, अभी धाती पे बजा तो लेंगे, पर वो एक सही मायने में जैसा होना चाहिए वो बात ईमानदारी से नहीं होगी। वैसे ही जैसे कभी गाने में अब होता क्या है कि आप कुछ बंदिश आप चाहते हैं कि भाई ये बंदिश ऐसे गाई जाए, क्योंकि मेरे मन में वो भाव या जो भी कुछ आ रहा है कि मैं ऐसा करूं। अब गायक हैं नेचुरली, उन्होंने अपनी गायकी का एक परंपरा अनुसार जैसे गायन सीखा है, अब वो ये नहीं ज़रूरी है कि जैसा उन्होंने गायन सीखा है वैसा ही मेरा भाव मेरे मन में आ रहा है, वो सुन के मेरे भाव और मेरे जो राग रागिनी है वो अलग तरीके की हो गई। तो अब तब हम अपने कैसे बता देते थे अब मेरे मन में ऐसा रखे कृष्ण जैसे अष्टपदी के नाचे तो सुधंग श्री नद नंद, ये सूरदास जी की रचना है। हर शख्स इसे कई लोग करते भी हैं, कई लोग कराते भी हैं उनकी। अब आप देखेंगे तो अगर किसी और गुरुजन को नृत्य करते या इस पे भाव करते हुए देखेंगे तो वो उनकी राग कुछ अलग होगी, क्योंकि उनका वो मनों को छूने वाला वो स्वर जो है, स्वर ऐसी चीज़ है जो दिल को छूती है तो गले से निकलती है, जब तक वो वहाँ ना पहुँचे तो तब यहाँ गले से, और दिल को छूने से ही स्वर
निकलता है और दिल को छूने से ही वो भाव बन पाता है। अगर हम ऐसे ऊपरी तौर पे करें तो गहराई का भाव नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगा ना चरत सो श्री नंद नचत सुद, ऐसा संगीत हम लोगों का मिलके चल रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप यूं ही अपनी अपनी इस कला से लोगों को ये कला लोगों तक ले जाते रहें, इसका विस्तार करते रहें।